श्री सूक्त से संबंधित है। श्री सूक्त ऋग्वेद से आया ऐसा माना गया है, लेकिन उसका पाठ करने के बाद जो उसका अनुभव सामने आता है वो थोड़ा सा बड़ा ही निगेटिव आ रहा है। इसके संबंध में क्या पाठ करने पर क्या फल आता है? भागवत के फर्स्ट वॉल्यूम में भी गलत संदर्भ में ही उल्लेख है, तो मैंने तीन मकान परिवर्तित किए, लेकिन फिर भी वो उसका आने का। बैठिए बैठिए, ठीक है। श्री सूक्तम का दोष नहीं है, आपका दोष है। एक तो श्री सूक्तम वेद का अंश है, परिशिष्ट भाग है। बैठो जी, आप सुनिए। गीता प्रेस से वेद कथा अंक, समझ गए, कल्याण का विशेषांक लीजिए। गीता प्रेस से वेद कथा अंक लीजिए, उसके अंतिम भाग में विशेषांक में श्री सूक्तम अर्थ सहित दिया गया है। वेद है, परंपरा से यज्ञोपवीत संपन्न व्यक्ति संध्या तर्पण इत्यादि दैनिक कृत्यों का निर्वाह विधिवत करने वाले गुरुमुख से श्री सूक्तम का श्रवण करके पाठ करें तो लाभप्रद होता है, अपने आप और अनधिकृत होकर के श्री सूक्तम का पाठ करने पर श्री विहीन व्यक्ति हो जाता है। मैंने कुछ मिनट पहले कहा था मंत्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये मंत्र अधिकार की अपेक्षा रखते हैं, समझ गए। जिसको लाइसेंस नहीं है वो रिवाल्वर और बंदूक लेकर घूमता रहे आज भी तो क्या होगा। इसीलिए आपको विपरीत फल इसलिए मिला कि श्री सूक्तम वेद है, विधिवत समय पर जिनका यज्ञोपवीत हुआ, शिखा सूत्रादि की मर्यादा का यथासंभव पालन करते हैं, वे भी प्रामाणिक विद्वान ब्राह्मण के मुख से सुनकर अगर श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। अगर आपको धन ही चाहिए तो आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। भगवान सूर्य को पवित्र दशा में नमस्कार करके जो जल देते हैं कभी भी दरिद्रता का मुख वो नहीं देखते। अथवा अग्नि पुराण में सात नाम धन प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के दिए गए हैं। विष्णु पुराण में भी दो पंक्तियों में श्रीधर इत्यादि भगवान के नाम धन की प्राप्ति के लिए दिए गए हैं। स्कंद पुराण में भी धन की प्राप्ति के लिए भगवान के नाम दिए गए हैं। सबसे अच्छा है आदित्याय नमः, या आदित्य आदित्य आदित्य, अथवा विष्णु सहस्रनाम में जो डेढ़ पंक्ति में 8-10 नाम भगवान श्रीधर श्रीकर ये सब भगवान विष्णु के हैं, किसी ब्राह्मण से सुनकर उसका पाठ कीजिए तो श्री सूक्तम के पाठ से जो बिगड़ गया है उस बिगड़ा हुआ पर पानी फिर जाएगा, आपको धन कुछ मिले खूब मिलेगा। बस।